नमस्कार दोस्तों, स्किल इंडिया आइडिया चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग को मेरे वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। यदि आप लोग को मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज फोर्ज में प्रयुक्त एक टूल है जो निम्न का बना होता है। जो स्वेज होता है वो फोर्ज शॉप में प्रयुक्त होने वाला एक टूल है जो निम्न के लिए प्रयुक्त निम्न का बना होता है। ऑप्शन ये दिया है उच्च कार्बन इस्पात का, ऑप्शन बी दिया है नम्य ढलवा लोहे का, ऑप्शन सी दिया है मध्य कार्बन इस्पात का और ऑप्शन डी दिया है निम्न कार्बन इस्पात का। तो दोस्तों जो स्वेज जो होता है फोर्ज शॉप में जो बना होता है, जो टूल होता है वो बना होता है नम्य ढलवे लोहे का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नम्य ढलवे लोहे का। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, पतली ट्यूब को काटने के लिए आरी ब्लेड का सबसे योग्य पिच होता है। जो पतली ट्यूब होती है उसको काटने के लिए जो हेक्सा ब्लेड होती है उसकी पिच कितनी होती है। तो ऑप्शन ए दिया है 1.8 mm, ऑप्शन बी दिया है 1.4 mm और ऑप्शन सी दिया है 1 mm और ऑप्शन डी दिया है 0.8 mm। तो दोस्तों जो इसके लिए जो पतली ट्यूब को काटने के लिए आरी ब्लेड का जो योग्य पिच होता है वो होता है 0.8 mm। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 0.8 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है माइक्रोमीटर की न्यूनतम माप होती है। जो हम माइक्रोमीटर यूज़ करते हैं, माइक्रोमीटर एक हमारा क्या है, सूक्ष्ममापी यंत्र है जिसकी सहायता से हम छोटे से छोटा माप ले सकते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि माइक्रोमीटर की न्यूनतम माप होती है। ऑप्शन ए दिया है 0.1 mm, ऑप्शन बी दिया है 0.5 mm, ऑप्शन सी दिया है 0.2 mm और ऑप्शन डी दिया है 0.01 mm। तो माइक्रोमीटर की जो न्यूनतम माप होती है वो होती है ऑप्शन डी 0.01 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर किए हुए इस्पात घटक की टेम्परिंग का उद्देश्य खाली स्थान के लिए होता है। जो कठोर किए हुए इस्पात की जो टेम्परिंग होता है उसका उद्देश्य क्या होता है। तो ऑप्शन ए दिया है दोस्तों इसके कठोरपन को बढ़ाने, ऑप्शन बी दिया है इसके भंगुरता को कम करना, ऑप्शन सी दिया है इसके लचीलेपन को बढ़ाने और ऑप्शन डी दिया है इसके दृढ़तापन को बढ़ाने के लिए। तो ये चार ऑप्शन दिए हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इसके भंगुरता को कम करने के लिए जो होती है वो उसकी टेम्परिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, तो उसमें आपको पूछा गया है सॉफ्ट जा का प्रयोग किया जाते हैं। जो सॉफ्ट जा होती है उसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है परिष्कृत सतह की सुरक्षा के लिए, ऑप्शन बी दिया है वाइस के जबड़ों की सुरक्षा के लिए, ऑप्शन सी दिया है जॉब की अधिक मजबूती से पकड़ने के लिए और ऑप्शन डी दिया है रेती की सुरक्षा के लिए। तो सॉफ्ट जा का जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है दोस्तों परिष्कृत सतह की सुरक्षा के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंच वाइज के स्पिंडल पर कौन सी थ्रेड कटी होती है। तो ये क्वेश्चन लगभग सभी को पता होगा, मैक्सिमम आता है एग्जाम में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी स्क्वायर थ्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि हथौड़े का वह भाग जहाँ हत्ता लगा होता है निम्न कहलाता है। मतलब जो हथौड़ा होता है जिसमें हत्ता लगा होता है उस भाग को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए फलक, ऑप्शन बी दिया है टोड़ी, ऑप्शन सी दिया है पिन और ऑप्शन डी दिया है नेत्र छिद्र। तो दोस्तों ये होता है ऑप्शन डी नेत्र छिद्र। अगला क्वेश्चन है, सोल्डरिंग हेड बना होता है। जो सोल्डरिंग हेड बना होता है वो किसका बना होता है। ऑप्शन ए दिया है कास्ट आयरन, ऑप्शन बी दिया है माइल्ड स्टील, ऑप्शन सी दिया है कॉपर और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। जो सोल्डरिंग हेड होता है वो कॉपर का बना होता है, तांबे का बना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मलाइजिंग का उपयोग होता है। जो नॉर्मलाइजिंग क्रिया होती है उसका उपयोग किस कार्य के लिए किया जाती है। ऑप्शन ए दिया है वियर रेजिस्टेंस बढ़ाती है, स्टील को सॉफ्ट करती है, ऑप्शन सी दिया है स्ट्रक्चर को रिफाइन करती है, वह यूनिफॉर्म फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर बनाती है और ऑप्शन डी दिया है टफनेस बढ़ाती है और ब्रिटलनेस कम करती है। तो दोस्तों नॉर्मलाइजिंग, यदि आपने मेटल अच्छे से पढ़े होंगे तो नॉर्मलाइजिंग का एक मुख्य उद्देश्य होता है कि ये क्या करता है, स्ट्रक्चर को रिफाइन करती है, वह यूनिफॉर्म फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोखला सेडल की के केवल भेजने के लिए उपयोग किया जाता है। खोखला सेडल की केवल भेजने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है हल्का ड्यूटी ट्रांसमिशन, ऑप्शन बी दिया है मध्यम ट्रांसमिशन, ऑप्शन सी दिया है उच्च ट्रांसमिशन और ऑप्शन डी दिया है अति उच्च ट्रांसमिशन। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, जो खोखला सेडल के आपने देखे होंगे इसका जो यूज़ होता है वो होता है हल्का ड्यूसी ट्रांसमिशन के लिए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, यदि जस्ते की शीट पर सोल्डरिंग करनी हो तो आप फ्लक्स का उपयोग लेंगे। यदि आपको जस्ते की शीट पर सोल्डरिंग करना है तो उसके लिए आप किस फ्लक्स का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए दिया है जिंक क्लोराइड, ऑप्शन बी दिया है हाइड्रोक्लोराइडिक अम्ल, ऑप्शन सी दिया है रेजिन एंड ऑप्शन डी दिया है टर्पेनेटाइन अम्ल। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए,
और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्त लोगों को भी शेयर कीजिए। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंटमेंट कर सकते हैं, किसी भी क्वालिटी इशू हो सकता है आपका, तो उसके लिए भी आप कमेंटमेंट कर सकते हैं। अभी थोड़ी आवाज़ की मेरी प्रॉब्लम है, बट कुछ दिन में वो भी सॉल्व हो जाएगी, तो आप निश्चिंत रहिए और जुड़े रहिए आपके अपने चैनल स्किल इंडिया ITI के साथ। धन्यवाद।